आइए, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एपिलेप्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जिनको एपिलेप्सी आते हैं, मतलब जिनको झटके हैं, जिनको अटैक्स आते, फिट्स के अटैक आते, बेहोशी के झटके आते हैं, तो उनको एक प्रकार की पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है। उनके इसमें एक व्यक्तिमत्व तैयार हो जाता है बिकॉज ऑफ द फिट्स। तो जो व्यक्तिमत्व में जो प्रॉब्लम आता है फिट्स के जरिए या फिट्स के सेकेंडरी, मतलब बिकॉज ऑफ द फिट्स, तो वो हो सकता है कि वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है, या फिर अटिपिकल पर्सनैलिटी, या फिर मिक्स पर्सनैलिटी, या फिर हिस्ट्रियनिक पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटी उनकी तैयार हो जाती है। इसमें सबसे कॉमन जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है। और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इसका मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ लक्षण ऐसे है कि ऐसा लगता है कि इनको मनोरुग्ण है, मतलब मानसिक बीमारी है, और कभी कभी दिखाई देते हैं। ये जो एपिलेप्सी के लोग हैं, चिड़चिड़े होते हैं। अब चिड़चिड़ापन इनको साइकोसिस के वजह से आ सकता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी से आ सकता है, या दवाई से भी आ सकता है। ये लोग चिड़चिड़े हैं, आवेश में कुछ तो भी कृति करेंगे, इम्पल्सिवली कृति करेंगे, कभी कभी खुदकुशी की कोशिश करेंगे, लोगों के ऊपर चिल्लाएंगे, कभी चीखेंगे। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक सामाजिक दाग है, एक स्टिग्मा है, तो इसको झटका है। हालांकि एपिलेप्सी कंप्लीटली क्यूरेबल है। यदि प्राइमरी एपिलेप्सी है तो कंप्लीटली क्यूरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी भी क्यूरेबल है वैसे देखा जाए तो फिर मगर सामाजिक दाग है। उनको जॉब मिलने में तकलीफ होती है, जॉब कोई देता नहीं है क्योंकि कभी बेहोश हो गए काम पे तो कौन रिस्क लेंगे भाई। शादी में तकलीफ होती है क्यों? क्योंकि एपिलेप्सी क्यूरेबल है। तभी भी समझो लड़की को एपिलेप्सी आ रही है और लड़कों वालों को बोला कि इसको फिट आते हैं, तो लड़के वाले कबूल नहीं करते। लड़कों सेम थिंग इज विद बॉयज ऑल्सो, कि लड़के को फिट है तो लड़के वाले पसंद नहीं करेंगे कि नहीं फिट वाला लड़का है करके। तो उनको शादी में तो प्रॉब्लम आते हैं, फिर लोग छुपाते हैं, छुपाएंगे कि फिट आ रही है, और शादी के बाद में मालूम पड़ जाता है कि फिट आ रही है, और फिर तकलीफ शुरू हो जाती है, और फिर डायवर्स तक बारी आती है। इनको गाड़ी चलाने में तकलीफ, क्योंकि गाड़ी चला रहे इंडिपेंडेंटली, और गाड़ी चलाते कभी फिट आ गई तो, तैरना है तो तैरने में तकलीफ, मतलब उसमें जाने देने लोग, तो थोड़ा ये प्रोटेक्टेड लोग रहते हैं। और प्रोटेक्शन रहने के बाद में माँ बाप भी ये देखते हैं कि नहीं चलो इनको सब कुछ जगह पे दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि तकलीफ नहीं होना, कहीं बाहर जाएंगा तो प्रॉब्लम है, अकेले नहीं भेजते, है ना। अच्छा, इनको एपिलेप्सी की वजह से मंदबुद्धि हो गई तो फिर बाकी पढ़ाई में भी फिर प्रॉब्लम आ जाता है, तो पढ़ाई में फिर वो पीछे रह जाते, फिर याददाश्त कम है भाई, याददाश्त में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही इनके ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है जो एपिलेप्सी की वजह से होते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन ये है कि अभी नई नई जो एंटी एपिलेप्टिक्स दवाई आई हुई है फिट्स के लिए, झटके के लिए जो नई दवाई आई हुई है, नए 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 ड्रग्स निकले हैं, उसके साइड इफेक्ट भी कम है, और वो यदि देते हैं तो उनसे फिट कंट्रोल में होती है, और एक बार फिट कंट्रोल में है तो बाकी सेकेंडरी जो प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी के, व्यक्तिमत्व के, वो होंगे नहीं। तो ये यदि हमको टालना है पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, तो एपिलेप्सी को जल्दी डायग्नोस करना, जल्दी उसका इलाज करना जरूरी है, ना कि वो कोई बाहर का है क्या, बाहर का झटका आया हुआ है क्या, ऐसा कुछ न समझते इधर उधर जाओ और कुछ तो भी इलाज करो, ऐसा न करते हुए प्रॉपर दवाई लेना। क्योंकि कंप्लीटली यदि 3 साल दवाई लेते हैं और 3 साल में एक बार भी फिट नहीं आई तो कंप्लीटली क्योर होगा ऐसा हम समझ सकते हैं, तो वो करना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।